अच्छा बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे आपको ये जो रिलेटिव क्लाजेज के बारे में बताया जा रहा है, इनमें जैसे आपको वो के बारे में, वूम के बारे में, वूज के बारे में बता दिया। अब इसके बाद में देखो, ये है विच, तो विच को कहाँ अपने को काम में लेना है। अब देखो, जैसे जो ये विच है, इसका अर्थ होता है यानी जिसके या जो, ये मतलब क्या है कि इसका एक एफर्मेटिव सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉजेस के रूप में जब इसको काम में लेते हैं विच को, तो इसका ये अर्थ होता है। अब विच को किस तरीके से कहाँ कहाँ काम में लेना है, देखो पहली बात आती है ये विच है वो किसके लिए आता है, कि ये विच है वो किसी नाउन के साथ संबंध बताने के लिए आता है। तो ये क्या है, संबंध बताने, संबंध या स्वामित्व के लिए आता है, पजेसिव है ये, यानी संबंध या स्वामित्व बताने के लिए आता है ये। अब जैसे पहले आपको बताया कि संबंध स्वामित्व के लिए वूज भी बताया, तो वूज और विच है, इसमें दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि देखो, जैसे ये वूज है, ये जो वूज है वो तो आता है केवल पर्सन के लिए, यानी इंसान के लिए आएगा, पर्सन के साथ संबंध बताने के लिए आता है ये। और जो ये जो विच है, विच है वो क्या आता है कि ये थिंग और एनिमल, यानी वस्तु और जानवरों के साथ, वस्तु और जानवरों के लिए आता है ये। ये दोनों में अंतर है, यानी कि वूज है वो तो आता है इंसान के लिए, इंसान के साथ संबंध स्वामित्व बताने की बात हो तब, और विच है वो आता है वस्तु और जानवरों के लिए, यानी वस्तु या जानवर के लिए कोई बात बताई जा रही है संबंध स्वामित्व की, तो उसमें क्या किया जाता है कि विच का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ये वूज है वो पहले जैसे आपको बताई दिया, तो विच देखो, अब पहली बात है खालिस्तान है, कौन से खालिस्तानों में विच को भरना है। नंबर एक पहली बात आती है खालिस्तान भरने की, तो खालिस्तान भरना, अब यानी क्या करना है कि नंबर एक खालिस्तान से पहले, खालिस्तान से पहले कोई वस्तु या जानवर होना चाहिए, थिंग या एनिमल, थिंग या एनिमल कह रहे हैं मतलब, यानी वस्तु या जानवर, वस्तु या जानवर हो, और खालिस्तान के बाद, खालिस्तान के बाद पर्सन भी हो सकता है, कोई नाउन हो सकती है, कोई वर्ब हो सकती है। पर्सन यानी खालिस्तान के बाद नाउन, वर्ब, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है कि आपको, यानी कि बीच वाली बात में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि खालिस्तान से पहले वाली बात है वो ध्यान रखनी है, कि खालिस्तान से पहले अगर क्या है कोई थिंग या एनिमल, कोई वस्तु या जानवर का नाम आए, तो उस खालिस्तान में क्या करोगे आप, यानी कि उस खालिस्तान में विच लिखना है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल है, द पेन डैश I bought yesterday is costly। अब ये देखो यहाँ दिया है द पेन, ये पेन है वो क्या है, ये मतलब क्या है कि एक वस्तु है, पेन है वो, थिंग है,
और खालिस्तान के बाद जैसे आपको बताया कि नाउन प्रोनाउन वायर कुछ भी होते हैं तो खालिस्तान के बाद वाली बात का कोई महत्व नहीं है। यहाँ खालिस्तान से पहले पेन दे रखा है तो इसका मतलब है इस खालिस्तान में क्या लिखेंगे, विच लिखा जाएगा, ये आ जाएगा विच। द पेन विच आई बॉट यस्टरडे इज ए कॉस्टली, इस तरीके से करना है। इसके बाद देखो इसमें वाक्य में प्रयोग, तो वाक्य में प्रयोग का वो किस तरीके से करना है, वाक्य में प्रयोग यानी कि विच का वाक्य में प्रयोग है वो किस प्रकार से करना है। नंबर एक, पहले सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में कोई वस्तु या जानवर का नाम दिया होगा, थिंग या एनिमल, वस्तु या जानवर यानी थिंग या एनिमल, के साथ विच लिखना है। और फिर नंबर दो, दूसरे सेंटेंस में क्या करना है, दूसरे सेंटेंस में उस वस्तु वस्तु या जानवर को हटा देना है या उसके लिए जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन है ये प्रोनाउन इसमें आएगा इट, या अगर बहुवचन में है तो आएगा देम। तो ये मतलब क्या है कि जैसे आपको ये इट वाली बात है वही ध्यान रखनी है, वस्तु या जानवर के लिए इट आएगा और इस इट को हटा देना है। यहाँ तो मतलब क्या होगा कि उस वस्तु या जानवर का नाम दोबारा लिखा होगा दूसरे वाक्य में, या फिर उस वस्तु या जानवर के लिए क्या लिखा होगा, जो प्रोनाउन है वो इट लिखाएगा, बहुवचन में है तो देम आएगा, तो ये इट आता है और इट को क्या कर देना है, हटा देना है। अब देखो जैसे इसका एग्जाम्पल है, माई फादर बॉट ए टॉय, द टॉय वाज वेरी नाइस, और इसमें विच का प्रयोग करते हुए पुनः लिखना है। अब देखो पहले वाला सेंटेंस है उसमें वस्तु या जानवर का नाम क्या है कि माई फादर बोट ए टॉय, ये जो टॉय है ये क्या है, एक वस्तु है, खिलौना, तो इसके साथ तो क्या करेंगे विच लिख देंगे। अब दोबारा उस वस्तु या जानवर का नाम, ये जो टॉय है वो दोबारा आया यहाँ, तो इस टॉय को क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा माई फादर बोट ए टॉय, और यहाँ जोड़ देंगे विच से, विच से द टॉय दोबारा नहीं लिखा जाएगा, ये हट जाएगा, वाज वेरी नाइस, इस तरीके से। ठीक है, समझाई बात। जैसे देखो एक एग्जांपल और देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, इट इज एन ए इंटरेस्टिंग फुल स्टॉप। पहला सेंटेंस क्या है कि द बुक इज ऑन द टेबल,
इट इज एन इंटरेस्टिंग। अब इसमें क्या करेंगे कि विच का प्रयोग करना है। अब देखो जैसे यहाँ पहले वाले सेंटेंस में क्या है, बुक है। ये एक वस्तु है, बुक है वो क्या है, वस्तु है। और दूसरे सेंटेंस में क्या है, टेबल, यानी पहले सेंटेंस में टेबल है वो भी एक वस्तु है। लेकिन बात किसकी हो रही है, बात इसके बारे में हो रही है, यानी बात बुक की हो रही है या टेबल की हो रही है, उसी के साथ अपने को बीच लिखना है। दूसरे सेंटेंस में देखो ये इट है, ये इट किसके लिए है, टेबल के लिए है या बुक के लिए है। ये जो इट है वो इससे बुक के लिए है, यानी इस बुक की बात हो रही है कि इंटरेस्टिंग बुक है। तो क्या करेंगे, किसके साथ लिखेंगे, यानी बुक के साथ। तो ये हो जाएगा द बुक विच, ये जो इट है वो यहाँ से हट जाएगा और क्या लिखेंगे, इज एन इंटरेस्टिंग। बच गया क्या पहले वाले सेंटेंस में, इज ऑन द टेबल। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इस प्रकार से दो वस्तुएं या जानवरों के नाम अगर पहले वाले सेंटेंस में दे रखे हो तो कौन से के साथ लिखना है ये पता लग जाएगा दूसरे सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस में यानी कि ये पता लगेगा कि किसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके लिए जो प्रोनाउन लगाए हैं, दूसरे दोबारा उस वस्तु या जानवर का नाम लिखा है तो उसको हटा देना है, उसी के साथ में पहले वाले सेंटेंस में विच उसको लिखना है। ठीक है, इस तरीके से यानी विच का प्रयोग है वो पूरा हुआ।